कैसे आप लोग। आज मैं एक और रेसिपी लेके आ रही हूँ। अभी जो सीज़न का जो भाजी है बथुआ, ठीक है, आप लोग सबको पता है। ये मैंने बथुआ का पत्ता और थोड़ा सा मुलायम मुलायम डंठल भी रख लिया है, इसको धो के अच्छे से रखा है। इससे बनाऊंगी आज मैं बथुए का लिट्टी, ठीक है। आज के आइटम का नाम है, रेसिपी का नाम है बथुए का लिट्टी। और ये साथ में बैंगन का भरता बनाऊंगी रोस्ट करके। और ये जो चटनी का इंग्रेडिएंट्स है, टमाटर और लहसुन, मिर्चा, अदरक और धनिया पत्ती, ये सब को मैं रोस्ट करके ही चटनी बनाऊंगी। टमाटर को रोस्ट करूंगी, इसको भी, लहसुन को, मिर्चा को, धनिया पत्ती, और उसको नहीं करके इसको चटनी। और ये आटा से मैं बनाऊंगी, आप लोग चाहे मैदा, पर मैदा से उतना मेरे को नहीं जमता है, मैं आटे से बनाती हूँ लिट्टी। तो सादा लिट्टी अभी तक बनाई, बथुआ का लिट्टी बनाऊंगी आज। आटे के साथ ये बथुआ को भून लूंगी बॉईल करके, जब आप लोग को बताएंगे भूनने से पहले। और ये फिलिंग का इंग्रेडिएंट्स है, मेन इंग्रेडिएंट्स है सत्तू, मैंने सत्तू लिया है। और कलौंजी लिया है, कलौंजी काला जीरा। और यहाँ पर थोड़ा अजवाइन रखी हूँ, अजवाइन ली हूँ। और ये नींबू, ये हमारे पेड़ का है, अभी तोड़ के ला रही हूँ। एक ये पेड़ का है तो कैसे तुरंत मैंने बोल दिया मेरा पेड़ का है, बाजार से नींबू ले तो बोलती हूँ बाजार से है। ये मेरा पेड़ का नींबू है। और ये है आम का अचार का मसाला। और ये फ्राई के लिए तेल, दो तरीके का बना सकते हैं आप, बेक करके भी बना सकते हैं और फ्राई करके, और नमक। तो ये हमारा है गया सत्तू और उसका कॉम्बिनेशन है भरता चटनी। ओके गाइस, अब इसके बाद आप लोग को नेक्स्ट प्रोसेस में बताएंगे कि कैसे हमने गूंदा, क्या क्या डाला गूंदते समय, और भरता कैसे बना और चटनी कैसे बना। ये सारा आइटम स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताएंगे। ओके, वीडियो पे बने रहिए, स्किप मत करिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पे सारा कुछ दिखेगा और रहेगा प्रोसेस, ठीक है। मुझे पता है स्किप करते हो, नहीं करते हो, थोड़ा थोड़ा करते हो, है ना, कोई बात नहीं। तो इसको देखिए अच्छे से, एक नया कर रही हूँ मैं। ओके गाइस, थैंक यू फ्रेंड्स। अभी मैं आटा गूंद के रख दूंगी। मैंने जो बथुआ दिखाया था ये हमने बॉईल कर लिया है, ये हमने बॉईल कर लिया है। और आटे में मैंने थोड़ा सा अजवाइन डाला है, नमक, अजवाइन, और मोयन के लिए थोड़ा तेल डाला। पहले तो हम ऐसे ही इसको गूंद लेंगे इस तरीके से, जितना इसमें पानी है उस बथुआ के पत्ते में, उतने जितना आटा गूंद जाएगा। उसके बाद जो है हिसाब से फिर उसमें हम पानी डालेंगे। और यहाँ पे हमने भरता के लिए बैंगन और टमाटर स्टोव में, गैस स्टोव में रख दिया है, वो भी धीरे धीरे होगा। अभी हम ये लिट्टी का डो रेडी करेंगे, और उसके बाद फिलिंग का, वो भी ये जो फिलिंग का रखा है उसको भी रेडी करके रखेंगे। और लिट्टी जो है वो हम गरम गरम करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, ये मेरा फिलिंग के लिए मैं रेडी कर ली हूँ, जिसमें मैंने सत्तू ले लिया है और अचार का जो मसाला, ये अचार का मसाला इसमें हमने डाला है। और ये चॉप करके गार्लिक डाला है, और दो मैंने ज़्यादा नहीं लिया हरा मिर्चा, जो दो ही इसमें डाला, क्योंकि कभी कभी मुंह में आने से अच्छा नहीं लगता। और धनिया पत्ती भी डाला, और इसमें नींबू, एक आधा नींबू डाला, बहुत ज़्यादा रस था, उसकी वजह से रस निकाल के उसमें डाला। और थोड़ा सा ऑयल भी डाला है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अचार का मसाला में ऑलरेडी ऑयल था। तो इस तरीके से हाथ से मिलाएंगे। और इसमें मैंने सॉल्ट भी डाल दिया है, बट आटे में भी सॉल्ट पड़ा है। तो अभी हम फिलिंग अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद थोड़ा मुंह में डाल के चख के देखेंगे कि इसका सॉल्ट इसमें बराबर है कि नहीं, कम बेसी देख लेंगे, मतलब बेसी ना हो, ज़्यादा ना हो, ठीक। यहाँ पे हमारा जो है बैंगन हमने कर लिया है, और टमाटर,
अब इसको अभी छिलका इसका नहीं निकालेंगे, हमको इसको देर से थोड़ा बनाना है, तो इसको अभी ऐसे रहने देंगे। और यहाँ पर मेरा जो डो रेडी हो गया, अभी इसको ढक के रख दी हूँ। अभी मैं इसमें फिलिंग भर के रेडी करके उसके बाद जो है मैं थोड़ा चख लेती हूँ। नहीं, नमक थोड़ा सा और लगेगा, नमक थोड़ा कम लगा मुझे, जैसे मेरे हाथ से ना नमक ज़्यादा हो जाता है। मैं चखती नहीं हूँ ना खाना बनाते समय, ये मेरा एक आदत है कि मैं चखने वाला नहीं हूँ, मैं चख चख के बनाऊँ, पर बनाना चाहिए कभी कभी ना। ठीक हो गया, तो ये मेरा जो है फिलिंग रेडी हो गया। ठीक है, और फिर अभी हम लिट्टी भर लेते हैं और उसके बाद लास्ट में भरता बनाएंगे लिट्टी के बाद तलने को। फ्रेंड्स, मैंने पूरा भर लिया है, अभी कढ़ाई पे तेल रखा है। अब इसको बहुत ही मतलब टाइम लेके तलना होता है, बट डीप फ्राई करना बट तो एकदम सिम में करना है, तो मैं पहले तेल को थोड़ा गर्म कर ले रही हूँ, उसके बाद जो है इसको एकदम सिम कर दूँगी, धीरे धीरे तलते रहूँगी, तो एकदम क्रिस्प बनेगा ये। और हमेशा कोई भी तलने, चाहे कचौड़ी हो और जैसे लिट्टी, तो ये फ्लैट वाला में लेना है, ये लोहे का हमने फ्लैट कढ़ाई लिया, इसी में हम तलेंगे। तो यही आप लोग को बताना था, लिट्टी हमने भर लिया है, अभी गर्म गर्म तलना है, चटनी भी रेडी हो गया, हम सर्व करते समय बताएंगे, और इसका जो चोखा है वो भी रेडी हो गया है। ये बथुआ का लिट्टी रेडी हो गया, मैंने फ्राई कर लिया अभी गर्म गर्म, और कुछ और कढ़ाई में चल रहा है, इसको सिम में करना पड़ता, काफ़ी टाइम लगता है। और ये भरता भी रेडी हो गया, और वो जो चटनी हमने बोला था तो स्टीम में बनाई है पूरा चटनी, और ये भी रेडी हो गया है। थोड़ा सा हमने प्याज मिर्चा और लेमन रख दिया है, और थोड़े स्वीट जो बनाए थे अपने टिबूस्टर लड्डू, वो लड्डू भी रख दिया है। खाने के बाद मीठा अच्छा लगता है, वैसे मैं गुड़ प्रेफर करती हूँ, अभी गुड़ नहीं है, अच्छा गुड़ आ रहा है मार्केट में, भी लेना है मेरे को, ठंड में थोड़ा सा भी खाना खाने के बाद ना गुड़ खाना चाहिए। ओके गाइस, आप लोग बताइएगा कैसा लगा, फुल रेसिपी है, अच्छे से देख लीजिएगा, यदि आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। थैंक यू।